फैसल बावड़ा तोहीन अदालत केस 5 जून को समाप्त के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावड़ा और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल आगा कीजिएगा। देखें, फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल इन दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तोहीन अदालत का केस जो है वो 5 जून को दोबारा समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में नोटिस जो है वो अरसाल कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस लिया था जो मतराजा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई थी, जिसमें जजेस के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ मुबैना तौर पर गुफ्तगू की गई थी। उस पर नोटिस लेते हुए ये तोहीन अदालत की केस जो है इसको आगाज किया गया था और उसको पहले इब्तदाई नोटिस जो है वो जारी किए गए थे समाअत के। उसके बाद कहा गया था कि दोबारा केस को बाजाबता समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब उसे 5 जून के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल दोनों को 5 जून के रोज तलब किया गया है, वो पेश होंगे और अपना जो वजाहत है वो जमा करवाएंगे। सुहेल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल बावड़ा तोहीन अदालत केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावड़ा और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल आगा कीजिएगा। देखें, फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल इन दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तोहीन अदालत का केस जो है वो 5 जून को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में नोटिस जो है वो अरसाल कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस लिया था जो मतराजा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई थी, जिसमें जजेस के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ मुबैना तौर पर गुफ्तगू की गई थी। उस पर नोटिस लेते हुए ये तोहीन अदालत की केस जो है इसको आगाज किया गया था और उसको पहले इब्तदाई नोटिस जो है वो जारी किए गए थे समाअत के। उसके बाद कहा गया था कि दोबारा केस को बाजाबता समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब उसे 5 जून के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल दोनों को 5 जून के रोज तलब किया गया है, वो पेश होंगे और अपना जो वजाहत है वो जमा करवाएंगे। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल बावड़ा तोहीन अदालत केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावड़ा और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल आगा कीजिएगा। देखें, फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल इन दोनों रहनुमाओं के खिलाफ तोहीन अदालत का केस जो है वो 5 जून को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में नोटिस जो है वो अरसाल कर दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस लिया था जो मतराजा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई थी, जिसमें जजेस के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ मुबैना तौर पर गुफ्तगू की गई थी। उस पर नोटिस लेते हुए ये तोहीन अदालत की केस जो है इसको आगाज किया गया था और उसको पहले इब्तदाई नोटिस जो है वो जारी किए गए थे समाअत के। उसके बाद कहा गया था कि दोबारा केस को बाजाबता समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब उसे 5 जून के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल दोनों को 5 जून के रोज तलब किया गया है, वो पेश होंगे और अपना जो वजाहत है वो जमा करवाएंगे। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।